हेलो गाइस, आप देख रहे हैं newstruck.com। मैं हूँ प्रिया वाजपेयी। आज बात होगी टीवी इंडस्ट्री के चौंकाने वाले ब्रेकअप्स के बारे में। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कपल्स थे जिनके ब्रेकअप ने उनके फैंस के साथ टीवी की दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। लोग हमेशा से उनको साथ देखना चाहते थे और चाहते थे कि वो शादी कर लें और शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी जिएं, क्योंकि उनके फैंस हमेशा उनको साथ देखना चाहते थे। तो चलिए बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री के वो चौंकाने वाले कपल्स कौन से हैं जिनके ब्रेकअप के बाद उनके फैंस खूब ज़्यादा रोए थे और लगातार सोशल मीडिया पर आज भी यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग साथ में आ जाइए। सेलिब्रिटीज का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये बात फैंस के लिए जितनी एक्साइटेड वाली होती है उससे कई ज़्यादा वे उनके ब्रेकअप को जानकर दुखी होते हैं। पब्लिक लाइफ में होते हुए भी ब्रेकअप से डील करना स्टार्स के लिए आसान नहीं होता है। आइए जानते हैं ये अब तक के कई टीवी स्टार्स के ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जो काफ़ी चर्चा में रहे। तो चलिए बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा मशहूर ब्रेकअप कपल्स के बारे में। सबसे पहले बात होगी टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अंकिता और सुशांत के बीच प्यार की शुरुआत पवित्र रिश्ता के सेट से हुई थी। दोनों ने काफी लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट भी किया और वे शादी भी करने वाले थे, लेकिन जब सुशांत ने मूवीज में एंट्री की तो दोनों का रिश्ता बिगड़ गया। दोनों के ब्रेकअप की वजह क्या थी ये तो आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सुशांत ने अंकिता को चीट किया है और वहीं किसी और के साथ वे रिश्ते में आ गए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज अंकिता लोखंडे विकी जैन को डेट कर रही हैं और वहीं सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया को डेट कर रहे हैं और वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। अब बात होगी काम्या पंजाबी और करण पटेल की। रिलेशनशिप खत्म होने से पहले काम्या और करण की जोड़ी टेलीविजन पर हिट थी। दोनों ने अपने ब्रेकअप की वजह पर कभी बात नहीं की, लेकिन बाद में काम्या ने माना कि वह करण को हमेशा प्यार करेंगी, लेकिन यह नहीं चाहती कि करण उनकी जिंदगी में वापस आए। वहीं करण ने कहा कि वह हमेशा काम्या के अच्छे की कामना करते हैं। जहां करण ने अंकिता भार्गव से शादी कर ली है, वहीं काम्या ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शलभ के साथ शादी कर ली है और अब उनके 3 बच्चे हैं। अब बात होगी जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के बारे में। टेलीविजन शो दिल मिल गए से ही जेनिफर और करण की जोड़ी हिट थी। दोनों ने 9 अप्रैल 2012 में शादी कर ली थी, लेकिन फिर 2 साल बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। डिवोर्स की वजह क्या है इस पर दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन करण पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप भी लगा था। एक्ट्रेस के करीबी दोस्त बताते हैं कि दोनों पहले एक दूसरे के काफी करीब थे और करण भी ईमानदार, लेकिन फिर वे शूटिंग में बिजी हो गए। इसके बाद जब करण ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ अलोन में काम करना शुरू किया, तब जेनिफर और करण के बीच चीजें बिगड़ती चली गईं। अब बात होगी बिग बॉस फेम पारस छाबड़ा के बारे में। पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी, यह रिलेशनशिप भी नहीं चल सका और सुर्खियों में बना रहा। पारस और आकांक्षा ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन तब चीजें बिगड़ गईं। पारस ने घर के अंदर अपने रिलेशनशिप पर कुछ चौंकाने वाली बातें कहीं, जिसके बाद आकांक्षा पुरी काफी शॉक्ड हो गई थी। टीवी एक्ट्रेस मायरा शर्मा से बिग बॉस के घर में नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर आकांक्षा ने एक ट्वीट के जरिए कंफर्म किया कि वह पारस के साथ ब्रेकअप कर रही हैं। तो जैसा कि आपने जाना, टीवी इंडस्ट्री के ये थे सबसे चौंकाने वाले ब्रेकअप। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें newstruck.com। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और newstruck आपसे अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें।